लिमिट x अप्रोच टू जीरो होगा, एक चीज। दूसरा साइन का जो एंगल है वो इसके नीचे डिवाइड भी हो रहा है, तो इस केस में ये हमारा वन के इक्वल होता है। ठीक हो गया, अगर लिमिट x अप्रोच टू जीरो हो रहा और साइन x डिवाइड बाय x इक्वल टू वन के इक्वल होता है हमारे पास। अब यहाँ हमने क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन करना है इसका, ये हमारा आ जाएगा उसका पहला पार्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि लिमिट्स को सॉल्व आउट करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होती है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन सेवन थीटा डिवाइड बाय थीटा। अब यहाँ पर भी बात की थी कि लिमिट x अप्रोच टू जीरो हो रहा और साइन का जो एंगल है अगर वो नीचे डिवाइड हो गया किसके ऊपर होता है वन के, इस केस को भी बिल्कुल ऐसे साबित करने के लिए यहाँ सेवन है ऊपर सेवन थीटा टोटल, साइन का एंगल क्या है सेवन थीटा, नीचे भी सेवन थीटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वन। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि सेवन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और लिमिट के अंदर थीटा अप्रोच टू जीरो साइन सेवन थीटा के नीचे सेवन को डिवाइड भी कर देते हैं। जब ये सिचुएशन हमारी क्लियर हो जाएगी तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा वन के, तो ये आ जाएगा सेवन इंटू वन, तो हमारा सेवन आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद आता है हमारा इसका पार्ट नंबर टू, वो हमारे पास आता है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स का क्यूब। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक चीज देखें, इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट x अप्रोच टू जीरो हो रहा है एक बार, उसका यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखा जा सकता है साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, जो साइन के ऊपर स्क्वायर होता है वो बेसिकली पूरे साइन x का होल स्क्वायर होता है, जो एंगल पे हो पूरे साइन का, बल्कि वो इसके ऊपर नहीं सिर्फ इसके ऊपर रहता है एंगल के ऊपर रहता है। नीचे हमारे पास x क्यूब है, इसमें देखा जाए तो एक x और एक स्क्वायर और एक x हो सकते हैं, हमने उसको भी अलग अलग करके ब्रेक कर दिया। उसको यहाँ से अलग कर दो सेपरेट, तो कुछ नहीं है यहाँ पे वन है, वन डिवाइड बाय एक्स मैंने सेपरेट कर दिया, साइन एक्स और इसका होल को एक अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, अब हम पहले वाले पे अलग लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, इसके स्क्वायर के ऊपर कर सकते हैं इस तरह से, और फिर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन डिवाइड बाय एक्स का अलग लिमिट लगा देते हैं, उससे क्या होगा कि ये हमारे पास लिमिट इसके अंदर आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस को ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसके अंदर क्या आ जाएगा वाली अलग लिमिट आएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन डिवाइड बाय एक्स। क्लियर हो गया, हमने दोनों के अलग अलग बाहर लिमिट लगा दी, ये साइन एक्स के अंदर आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट साइन एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, इसके इक्वल होता है हमारा वन के इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा वन का स्क्वायर और इसमें लिमिट पुट करने से वन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जीरो, और हमें पता है कि वन डिवाइड बाय जीरो किसके इक्वल होता है इंफिनिटी के, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो है इसका पार्ट नंबर थ्री। अब ये क्वेश्चन आप गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और लिखा हुआ है यहाँ पे टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय एक्स, कभी भी आपका टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय एक्स वन के इक्वल नहीं हो सकता, सिर्फ वन वन के इक्वल होता है साइन एक्स ओवर एक्स, साइन ओवर एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा साइन बटा कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना कि टेंजेंट बराबर होता है साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, और ये नीचे जो वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो उलट ये नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हम साइन एक्स को एक्स की वैल्यू कर देते हैं, यानी इन वैल्यूज को क्या कर देते हैं रिप्लेस, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय कोस एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, अब दोनों में हमें अलग अलग क्या कर देंगे लिमिट को अप्लाई कर देना है, फर्स्ट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स ऐसे ही है, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन डिवाइड बाय कॉस एक्स। पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा वन, और दूसरे वाले में लिमिट पुट कर दे वन डिवाइड बाय कॉस जीरो, और आप बता सकते हैं कॉस जीरो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल, तो ये वन इंटू वन डिवाइड बाय वन हमारे पास ऐसे ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे इसका वन हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर है हमारा, वो हमारे पास आता है लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो टेंजेंट पी क्यू डिवाइड बाय क्यू। पहली बात तो ये है कि कभी भी टेन पी क्यू और पी क्यू पे अगर लगा दे तो ये वन नहीं होता, इसको भी बिल्कुल ऐसे की ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अभी हमने किया थर्ड वाला इसी तरह से साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो, यहाँ ये क्या बन जाएगा साइन पी क्यू डिवाइड बाय कॉस पी क्यू, और नीचे हमारे पास आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय, अगर क्यू के नीचे कुछ नहीं है तो वन होगा। अब यही वैल्यू जो हमारे ऊपर जाके क्या बन जाएगा फिर आप बताएं साइन क्यू अप्रोच टू जीरो साइन पी क्यू डिवाइड बाय कॉस पी क्यू, और यही वैल्यू ऊपर जाके उलट हो जाएगी तो ये आ जाएगा वन डिवाइड बाय क्यू। अब हम क्या करते हैं कि जो साइन वाली है उसके साथ क्यू नीचे शिफ्ट कर देते हैं, वन और कॉस पी क्यू जो है ना कॉस पी क्यू उसको सेपरेट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, क्रॉस नहीं करेंगे शिफ्ट ही कर रहे हैं, हम कॉस पे इधर बैठे हैं इसको उधर बैठते हैं, हम पी क्यू पर इधर आएंगे उसको इधर करके उसको वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ वन डिवाइड बाय ए और मल्टीप्लाई का वन डिवाइड बाय बी है तो क्या इसको वन डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई का वन डिवाइड बाय ए करने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, हो रहा तो उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया ठीक हो गया। तो इस केस के मुताबिक जो है ना ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो यहाँ हो जाएगा साइन पी क्यू डिवाइड बाय क्यू। हमने हमेशा कोशिश करनी होती है कि ये साइन की फॉर्म में ला के इसको क्या बना दिया है वन, हमने हमेशा कोशिश की है, यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि ये साइन की फॉर्म में आ गई, यहाँ भी हमने कोशिश की है और इसमें भी हमने यही चीज़ बनाई थी। हम पूरे सारे क्वेश्चन में यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह से साइन अगर आ रहा है तो वो वन बन जाए, तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन डिवाइड बाई कॉस पी क्यू, ये कॉस इसकी जगह पर चला गया और कॉस ये आपस में एक दूसरे से इन्होंने जगह रिप्लेस कर दी। अब दोनों में हमने क्या करना है सेपरेटली लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो देखिए लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो यहाँ क्या आ जाएगा साइन पी क्यू डिवाइड बाय क्यू, हमने फर्स्ट वाले में क्या किया अलग लिमिट लगा दी ठीक हो गया, और इसी तरह हमने सेकंड वाले में भी लिमिट लगा दी, ये कॉस पी क्यू आ गया इसमें क्या बन जाएगा लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो वन डिवाइड बाय कॉस पी क्यू ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप गौर से देखें इसको कि अगर लिमिट क्यू अप्रोच टू जीरो हो रहा है या अगर आप ऊपर इसी चीज को देखें यहाँ पर किस चीज की कमी थी, मैंने पी लगा दिया है ना, अब पी को यहाँ पे मैंने डिवाइड किया पाई, मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये तो पी हो गया ये किसके इक्वल हो गया जीरो वन के इक्वल हो गया, हमेशा यही कोशिश करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट इस पर अप्लाई करते हैं तो वन डिवाइड बाय कॉस पी टू जीरो आ रहा है ना क्यू जी, यहाँ पर क्यू की जगह पर हमने जीरो भूल गया पी जीरो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया पी तो आ गया यहाँ पे वन डिवाइड बाय कॉस जीरो आ गया, कॉस जीरो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है, या पी इंटू वन डिवाइड बाय कॉस जीरो भी वन ही होता है, तो पी आपका इसका आंसर क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर वन जो है ना इसका पार्ट नंबर फाइव करते हैं, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने से वन माइनस कॉस जीरो पुट करते हैं तो कॉस जीरो भी वन होते हैं, वन माइनस वन जीरो ये बटे वाले आ गए ना, नीचे भी जीरो इंटू साइन जीरो, यहाँ भी जीरो पर जीरो फॉर्म बन रही है, तो जीरो पर जीरो फॉर्म खत्म करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा रेशनल लाइन, तो क्या आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो यह आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा डॉट साइन थीटा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और उसी से हम उसको डिवाइड भी कर देंगे ठीक हो गया यहाँ तक। अब ऊपर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये इस वैल्यू के अंदर लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो यहाँ आ सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके माइनस बी स्क्वायर वन का
किया तो वन हो गया, माइनस प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर हो गया। अब इसके नीचे क्या आता है हमारे पास, थीटा डॉट साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, वन प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब वन माइनस साइन कॉस का किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर। सो लिमिट थीटा गोज टू जीरो, यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा डॉट साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये एक साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो वन है, मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, साइन थीटा और थीटा को अलग कर देंगे तो वन बन सकता है, अलग कर लेते हैं, और वन और वन प्लस कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं। यहाँ आता है लिमिट थीटा गोज़ टू जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा। समझ आ रही है आपको? अब अलग अलग कर दिया, दोनों पे अलग अलग क्या कर देते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। जब आप दोनों पे अलग अलग लिमिट लगाएंगे तो लिमिट थीटा गोज़ टू जीरो एक हो गया, पहले वाले पे लिमिट लगेगी तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा। ये हमने फर्स्ट वाले पे लिमिट लगा दी, अब हम नेक्स्ट लिमिट लगानी है सेवन सेकंड वाले पे, तो लिमिट थीटा गोज़ टू जीरो वो क्या हमारे पास, वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इस पर लिमिट को क्या कर देना है, पुट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इसी जगह पे क्या आ जाएगा, वन। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस जीरो। तो हमें यहाँ पे एक चीज देखी है कि वन को पकड़ हो गया, वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस जीरो क्या होता है, वन, कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो वन वन प्लस वन कितना हो गया, तो वन डिवाइड बाय टू हमारा इसका आंसर। समझ आ गई ना आपको इस क्वेश्चन की? आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फाइव किया, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप जरा गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव ही की तरह देखिए, थोड़ा सा फर्क आता है, उसमें एक फॉर्मूला लगता है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस टू एक्स के, टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके अंदर। अगर हम इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में कर लें तो एक चीज हमें पता है कि वी नोट है, हम जानते हैं चूंकि cos 2x इक्वल टू होता है cos square x माइनस sin square x, इसके इक्वल होता है ना cos square x माइनस sin square x, आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस, इसके अंदर क्या आ जाएगा cos square x माइनस sin square x। ठीक हो गया, और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा x square। अब यहाँ आप और से देखें तो ये हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोच टू जीरो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यही बनता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस आ गया साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर, सॉरी वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इसकी जगह पे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। वन और वन कितने हो गए, टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। ये टू लिमिट के शुरू में आ जाएगा, जब टू लिमिट के शुरू में आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे एक्स का भी होल स्क्वायर है, वो क्या होगा स्क्वायर शुरू में आ जाएगा टू, और यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ऐसी है, और साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स फोटो का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया, टू इंटू वन का स्क्वायर, तो किसका क्या आंसर आ जाएगा टू हमारा इस एक्सरसाइज का इसका आंसर।